आज हम लोग 4 BCA एवं 4 BCOM कंप्यूटर एप्लीकेशंस के क्लास के अंतर्गत ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस सब्जेक्ट में यूनिट 5th का 4th टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे हम लोग कम्युनिकेशन चैनल सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ एनी साइट टू कीप सिक्योर इज द मीन्स इन विच ए क्लाइंट कम्युनिकेट्स विद ए सर्वर। किसी भी साइट को सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में से एक यह है कि एक क्लाइंट सर्वर के साथ कम्युनिकेशन कैसे करता है। सम ऑफ द थ्रेड्स दैट कैन बी पोस्ड इंक्लूड सीक्रेसी, इंटेग्रिटी एंड नेसेसिटी थ्रेड्स एज वेल एज फिजिकल सिक्योरिटी थ्रेड्स एंड थ्रेड्स टू वायरलेस नेटवर्क्स। किसी भी साइट को सुरक्षित रखने के लिए कुछ खतरे जो उत्पन्न हो सकते हैं, उनमें से गोपनीयता, अखंडता और आवश्यकता के खतरे के साथ साथ भौतिक सुरक्षा खतरे और वायरलेस नेटवर्क जैसे खतरे शामिल होते हैं। देयर आर 4 मेन इंटीग्रिटी थ्रेड्स। पहला है एक्टिव वायर टाइपिंग। दूसरा है साइबर वैंडलिज्म। तीसरा है स्पूफिंग और चौथा है फिशिंग एक्सपेंडेशन। एक्टिव वायर टैपिंग मतलब सक्रिय वायर टैपिंग, साइबर वैंडलिज्म मतलब साइबर वैवरता, स्पूफिंग एंड फिशिंग एक्सपेंडिशन मतलब फिशिंग अभियान। सबसे पहला है एक्टिव वायर टैपिंग। एक्टिव वायर टैपिंग
कैन बी यूज्ड टू अल्टर इंफॉर्मेशन ऑन ए वेबसाइट सच एज बैंकिंग इंफॉर्मेशन। सक्रिय वायर टैपिंग का उपयोग किसी वेबसाइट पर जानकारी को बदलने के लिए किया जाता है, जैसे कि बैंकिंग की जानकारी। अनलाइक सीक्रेसी थ्रेट्स, इंटीग्रिटी थ्रेट्स कैन कॉज डैमेज टू ए कंपनीज और पर्संस रिपुटेशन इफ नॉट कॉट इन टाइम। गोपनीयता की धमकियों के विपरीत अखंडता के खतरे किसी कंपनी या व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं यदि उन्हें समय पर नहीं पकड़ा गया। दूसरा है साइबर वैंडलिज्म। साइबर वैंडलिज्म ऑकर्स व्हेन चेंजेस द कंटेंट ऑफ ए वेबसाइट टू शो देयर ओन कंटेंट रादर देन द कंटेंट दैट वॉज ओरिजिनली ऑन देयर। साइबर बर्बरता तब होती है जब किसी वेबसाइट की सामग्री को मूल रूप से वहां मौजूद सामग्री के बजाय अपनी सामग्री खाने के लिए बदल दिया जाता है। नेक्स्ट है स्पूफिंग। दिस कैन बी डन थ्रू स्पूफिंग विच यूटिलाइज ए लूप होल फाउंड इन सम डीएनएस that allow them to put their website address in the place of the original address। यह spoofing के माध्यम से किया जा सकता है जो कुछ DNS में पाई जाने वाली खामियों का उपयोग करता है जो उन्हें
अपने वेबसाइट के पते को मूल पते के स्थान पर रखने की अनुमति देता है। फिशिंग एक्सपेंडिशन। फिशिंग एक्सपेंडिशंस आकर व्हेन ए क्रैकर ऑब्टेन्स इंफॉर्मेशन इंटर्ड ऑन ए वेबसाइट दैट लुक्स लेजिटिमेट बट इज एक्चुअली नॉट। फिशिंग अभियान तब होता है जब एक पटाखा जैसी वेबसाइट पर दर्ज की गई जानकारी प्राप्त करता है जो वैध तो दिखती है लेकिन वास्तव में वो वैध नहीं होती है। वेरियस चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड बिटवीन द कंपोनेंट्स एंड data sources in knowledge management। knowledge management अर्थात ज्ञान प्रबंधन में घटकों और डेटा स्रोतों के बीच संचार और प्रौद्योगिकी के विभिन्न चैनलों का उपयोग किया जाता है। The following technologies are used for communication: communication के लिए secure communications के लिए जो channels use किए जाते हैं वो विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी से प्रेरित होते हैं। पहला HTTP/HTTPS ये एक प्रोटोकॉल है जिसे हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। दूसरी टेक्नोलॉजी है WebDAV तीसरा है ICE चौथा है JDBC on OpenSQL
जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी का है ओपन एसक्यूएल के साथ। पांचवा है ऑपरेशन सिस्टम डिपेंडेंट एंड डेटाबेस स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज। ये कम्युनिकेशंस के लिए सिक्योर चैनल्स हैं जिनका यूज करके हम हमारे सर्वर और क्लाइंट के बीच में सिक्योरिटी के साथ कम्युनिकेट करने का कार्य करते हैं। ये एक फिगर है ब्राउजर वेब डीएबी क्लाइंट एंड द आईसी सब्सक्राइबर। ये एचटीटीपी प्रोटोकॉल से एचटीटीपी प्लस वेब डीएबी एचटीटीपी प्लस आईसीई। ये हमारा आईपी एप्लीकेशन सर्वर है जिसमें सीएम अर्थात कस्टमर मैनेजमेंट एचटीटीपी सर्वर के माध्यम से टीआरईएक्स, ये पूरा हमारा नॉलेज मैनेजमेंट कहलाता है, ये डेटाबेस है पूरा पूरा हमारा जो क्लाइंट के डेटा को स्टोर करने की क्षमता रखता है या जो क्लाइंट के डेटा को स्टोर रखता है। इसमें एचटीटीपी जो होता है वो वेब रिपोजिटरी के होता है। एचटीटीपी वेब डीएबी रिपोजिटरी के लिए है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट फाइल सिस्टम रिपोजिटरी के लिए है, फॉर एग्जांपल नेट बायोस और एनएफएस और आईआईओपी लोटस नोट रिपोजिटरी के लिए होता है। तो ये फिगर है, इस फिगर के माध्यम से हम एक सिक्योर चैनल इजाद कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्लाइंट सिक्योरिटी, देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट नीड एन इनहेंस्ड लाइन ऑफ प्रोटेक्शन। बुनियादी ढांचे के कई हिस्से होते हैं जिन्हें सुरक्षा की एक उन्नत लाइन की आवश्यकता होती है। विथ क्लाइंट सिक्योरिटी योर आईटी एनवायरनमेंट इज प्रोटेक्टेड बाय अपलाइन। क्लाइंट सुरक्षा के साथ हमारा आईटी वातावरण निम्नलिखित को लागू करके सुरक्षित है। पहला है ऑथेंटिकेशन, द यूज ऑफ लॉगिन क्रेडेंशियल्स विथ स्ट्रांग पासवर्ड्स। जब भी हम लॉगिन करने के लिए जो ऑथेंटिकेशन यूज करें, पासवर्ड यूज करें, वो हमेशा स्ट्रांग पासवर्ड्स होना चाहिए जिसे आसानी से गेस ना किया जा सके। दूसरा है स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट फास्ट स्प्रेडिंग वायरसेस, मींस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का यूज करके वायरस से सिस्टम को अपने प्रोटेक्ट किया जा सकता है। सिक्योर प्रोटोकॉल्स इंश्योरिंग दैट डिवाइसेस ओनली कनेक्ट
with those in the network. Means जो भी protocols यूज करें या जो भी channels devices यूज करें वो सिर्फ secured होनी चाहिए, किसी भी lines को access ना ही करें तो बेहतर है. और फाइनली फायरवॉल, बाई अपडेटिंग योर इंफ्रास्ट्रक्चर्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. मतलब जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें उस लाइन को डिफेंस करने की आवश्यकता होती है. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.